दोस्तों आज हम आपको इंटरव्यू टिप्स के बारे में बताने वाले हैं। आमतौर पर इंटरव्यू के दौरान लोगों में जो घबराहट होती है, संचय होती है, उनसे आप दूर कैसे रहें उस पर बताया। पहला है कि जिस फील्ड का इंटरव्यू देने आए हैं आप उसके बारे में पूरी तरह से ज्ञान होनी चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्दों का कम्युनिकेशन केवल 8% होता है, 37% कम्युनिकेशन केवल आपके आवाज़ और टोन पर होता है। आपका धीमा और तेज प्रभावी आवाज़ किस प्रकार से बोल रहे हैं, 55% कम्युनिकेशन आपके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर में होता है। बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि ये ऐसा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो आपकी आदत, स्वभाव और मन के स्थिति में क्या पैदा होती है वो होता है, उससे पैदा होता है। इंटरव्यू क्लियर करना कई बार कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप बॉडी लैंग्वेज महत्वपूर्ण कारक होता है, आपके लिए फैक्टर होता है बॉडी लैंग्वेज। किसी व्यक्ति के भाव, विचार और आदतों के अति अंत में संबंध होता है, तीनों को एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बॉडी लैंग्वेज भी तीनों को मिलाकर तैयार की होती हैं। आप अपने बदलाव, आपके बॉडी लैंग्वेज कैसे, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, बोलने की शैली क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो सब है। अगर आप इन सब में आपको महारत होती है तो आप इंटरव्यू सक्सेस करेंगे। इसके अलावा होता क्या है कि आप अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, तो आप के ऊपर भी है कि कैसे आप आगे बढ़ें, कैसे करना है। आपको एक छोटी सी टिप्स दिया है, आप इनको अमल करें। कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, ये और सबसे बड़ी चीज़ है कि आँख में आँख डाल के बात करना, ये सबसे बड़ी बात है। तो धन्यवाद, आप जहाँ भी जाएँ सक्सेस रहे, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें।